बैक टू माई चैनल। सो आज हम साबूदाने की खिचड़ी बनाने वाले हैं एंड ये बहुत ही यम्मी होता है। आप इसे नॉर्मल भी खा सकते हैं एंड आप इसे उपवास में भी बनाकर खा सकते हैं। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका मसाला रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी धनिया, 5-6 हरी मिर्च और 1 बाउल पीनट्स ले लिया है। मूँगफली को मैंने पहले से ही भून कर रखा हुआ था और मैंने यहाँ पर 2 आलू 2 टमाटर चॉप्ड करके रख लिया है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर इसको ग्राइंड करेंगे। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है एंड आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, तो आप भी ऐसे ही करना। मैंने यहाँ पर 1/2 kg से कम लगभग 400 ग्राम साबूदाना ऑलरेडी भिगा कर रखा हुआ था। हमने जो मसाला रेडी किया है अब हम इसमें उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मैं नॉर्मली खाने के लिए बना रही हूँ, बट अगर आप उपवास के लिए बना रहे हो तो नॉर्मल नमक की जगह सेंधा नमक या आप जो भी नमक यूज़ करते हैं फास्ट में वो यूज़ कीजिएगा। अब हम इसको सॉफ्टली चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे या आप हाथ से भी सॉफ्टली मिक्स कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने इसको प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए गैस पर रखेंगे एंड मैं आपको फिर से बता रही हूँ मैं यहाँ पर नॉर्मल तेल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप फास्ट के लिए बनाने वाले हैं तो आप घी यूज़ कीजिएगा तेल की जगह पे। अब मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। इसमें हम थोड़े से करी पत्ते भी ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। आप देख सकते हैं जीरा हमारा तड़क गया है। अब हम इसमें अपने आलू डाल देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हल्का सा तेज आंच पर फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक डालेंगे और फिर इसको पकने के लिए ढक देंगे। मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब हम इसको ढक देंगे और ढकने के बाद हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे ये पका है कि नहीं। आप देख सकते हैं हमारी आलू अभी प्रॉपरली पकी हुई नहीं है, तो हम अभी इसे 1 मिनट और पकाएंगे। 1 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे वापस से चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी आलू अच्छे से पक चुकी है। अब हम आलू को साइड करके बचे हुए तेल में टमाटर को डाल देंगे और हमें टमाटर को पकाना नहीं है, बस इसको स्टर फ्राई करना है। हमें इसे 1 मिनट तक भूनना है। मैंने टमाटर को अच्छी तरह से 1 मिनट तक मीडियम आंच पर भून लिया है। अब हम आलू और टमाटर को प्रॉपरली मिक्स कर देंगे। अब बारी है साबूदाना डालने की, तो अब हम इसमें अपने साबूदाने भी डाल देंगे। साबूदाने को हमें मिनिमम 2 से 2.5 घंटे भिगा कर रखना होता है। हमने पूरा साबूदाना डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रहे मिक्स करते टाइम हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अगर आप इस तरह से साबूदाना बनाएंगे तो आपके साबूदाने चिपकेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे। आप चाहें तो इसमें साबुत मूंगफली भूनकर भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने साबूदाने को ऊपर से नीचे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ढककर पकाएंगे। अब हम इसको ढक देंगे और 2-2 मिनट पे इसको चेक करते रहेंगे। इसको पकने में मैक्सिमम 5 to 10 मिनट लगते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं ये पका है कि नहीं। पकने के बाद साबूदाने की बॉल्स स्पंजी हो जाती हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे साबूदाने हो चुके हैं। आप इसको एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा एंड कमेंट कीजिएगा कैसा बना। मुझे 10 से 11 मिनट हो गए हैं एंड ये प्रॉपरली पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं एंड ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। एंड यस, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैंने यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं डाला है बिकॉज मैंने मसालों में ही इनफ सॉल्ट ले लिया था। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और टेस्टी दिख रहा है।
मेरी तो डिश पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, आप भी जाइए बनाइए और बताइएगा कैसा बना। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सो इट्स रेडी टू ईट। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।